सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं ये वीडियो खास उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए बना रही हूँ जो करवा चौथ का पूजा करना चाहती है। आप मसीह में हैं तो आपको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आप मसीह होते हुए भी आप करवा चौथ का पूजा रख सकते हैं या नहीं? आपको इस वीडियो को देखने के बाद मालूम हो जाएगा। मेरे प्रिय बहनों, मैं ये वीडियो खास उनके लिए बना रही हूँ जो लोग, जो बहने, जो माताएं ये करवा चौथ की व्रत रखना चाहती है और जो मसीह स्त्री हैं, वो किस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रख सकती है। मैं उसी बारे में आज परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। मेरी प्रिय बहन, अगर जो आप जानना चाहती हैं करवा चौथ के व्रत किस प्रकार से रख सकती है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगी, कम समय में बहुत कुछ वचन बताने की कोशिश करूंगी। मेरी प्रिय बहन, आप करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं? इनका कोई रीजन होगा ना? जहाँ तक मुझे पता है, इसका रीजन यही है कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है उसके पति की आयु लंबी होती है। क्या ये सच बात है? मेरे प्रिय बहन, जिस देवी के नाम पर आप करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है, क्या उस देवी की आयु लंबी है? जब उसकी आयु लंबी नहीं है तो आपकी आयु लंबी कैसे हो पाएगी? मेरे प्रिय बहन, यहाँ बाइबल क्या बताती है? बाइबल साफ इनकार करती है कि वो एक मूर्ति पूजा है। आप मूर्ति पूजा के साथ करवा चौथ का व्रत आप नहीं रख सकती हैं। मेरी प्रिय बहन, अगर आप व्रत रखना चाहती हैं, आप अपने पति की दीर्घायु, लंबी आयु चाहती हैं, अपने बाल बच्चे की सुखी जीवन चाहते हैं, अपने परिवार के सुखी जीवन चाहते हैं, तो आपको अलग तरीके से करना होगा। मेरे प्रिय बहन, वही चीज को मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। अपने पति की आयु लंबी कैसे कर सकते हैं? अपने पति की आयु के लिए आज जो करवा चौथ की व्रत रखती है, वही आप मसीह के लिए करेंगे, वही आप मसीह में आके करेंगे। वो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो किस प्रकार से करेंगे, तो आपके पति की आयु और आप सब सही सलामत रहेंगे और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सकते हैं। मेरे प्रिय बहन, अगर जो आप करना चाहती हैं, तो एक तरीका है, वो है फास्टिंग यानी उपवास। जिस प्रकार से आप करवा चौथ में उपवास रखते हैं और शाम को पूजा पाठ करके व्रत करते हैं। हे मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं खास करके बहन के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। मेरे प्रिय बहन, आप दिन भर फास्टिंग रखिए। आप जिस प्रकार से मसीह फास्टिंग करते हैं, आप फास्टिंग कीजिए और फास्टिंग के साथ साथ आप परमेश्वर की आराधना कीजिए और आराधना कीजिए और उस आराधना के दौरान आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए आपके पति के लंबी आयु के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सुखी संपन्न जीवन के लिए। यीशु को धन्यवाद दीजिए और उससे विनती कीजिए, परमेश्वर आपके मार्ग सीधा करेगा। मेरे प्रिय बहन, इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपके पति की लंबी उम्र जरूर होगी और आपको भी और आपके पूरे परिवार का भी भला होगा। अगर जो आप फास्टिंग करके प्रार्थना करते हैं, तो आप दिन भर फास्टिंग कीजिए और उपवास का मतलब ये भी होता है कि आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहे। इसीलिए मेरे प्रिय बहन, सुबह से शाम तक आप फास्टिंग कीजिए। उस फास्टिंग के दौरान आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, जो परमेश्वर सब कुछ को बनाने वाला। आपके लिए मैं एक वचन बताना चाहती हूँ, यशायाह की किताब, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 45 अध्याय और 18 वचन। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया
उसी ने आपको स्थिर भी किया। उसने उससे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं। मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर कहता है, इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मैं हूँ। वो आज हमारा परमेश्वर कहता है, इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी में आज जो कुछ भी देख रहे हैं, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो हकदार है आराधना करने का, वो हकदार है धन्यवाद लेने का। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे बहन, खास करके मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं ही सब कुछ को बनाने वाला, मैंने पृथ्वी को बनाया। इसीलिए मेरे प्रिय बहन, आप परमेश्वर की आराधना करें, ना कि मूर्तियों को। आप परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपके पति की, आपके बच्चे की, आपके परिवार के वो लंबी आयु दे। इसीलिए मेरे प्रिय बहन, आप अपने पति की लंबी आयु के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। उपवास में जाइए, फास्टिंग के साथ उस परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से आप करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, आप परमेश्वर के आराधना कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बहन, करवा चौथ के नाम पर नहीं, परमेश्वर के आराधना के नाम पर करना है। परमेश्वर के आराधना कीजिए, आपको करवा चौथ के पूजा के नाम पर नहीं करना है, परमेश्वर की आराधना के नाम पर करना है। और परमेश्वर से आप आराधना कीजिए, किस प्रकार से आप अपने परिवार की भला कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने प्रार्थना के द्वारा अपने पति की रक्षा कर सकते हैं, परिवार की रक्षा कर सकते हैं, परमेश्वर की अगुवाई से, अपने आप से नहीं, परमेश्वर की अगुवाई से आप अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगे, आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरी प्रिय बहन, इस प्रकार से आप कीजिए तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देंगे और आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप मूर्ति पूजा बिल्कुल ना करें, ये परमेश्वर के खिलाफ जाना होगा। इसीलिए मेरे प्रिय बहन, आज मैं इस वीडियो में बताई हूँ आप किस प्रकार से करवा चौथ और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इसीलिए करवा चौथ का व्रत के नाम पर नहीं परंतु परमेश्वर के आराधना के नाम पर फास्टिंग कीजिए और आप प्रार्थना कीजिए, आपका परिवार का जरूर भला होगा, परमेश्वर आप सबको आशीष जरूर देंगे। इस प्रकार आप कर सकते हैं, आमीन। मेरे प्रिय बहन, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के द्वारा आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की जरूर प्रयास करूंगी। और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन माताओं बहनों के पास जो मसीह में रहकर करवा चौथ का व्रत करना चाहती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।